नमस्कार साथियों, एक हमारा एक कयान एनर्जी स्प्लिट एसी है जो 2 टन का है और इसमें हीटिंग का इशू था और इसमें हमको कंप्लेन मिला कि ये मशीन में से हीटिंग नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे हम हीट मोड में इसको स्टार्ट करते हैं तो हीटिंग नहीं आती है। हालांकि देखिए, हमने हीटिंग मोड में सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं ये हीट है और 30 हमने सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर सेट कर रखा है। इसको हम जैसे प्रेस करते हैं मशीन हमारा ब्लिंकिंग होता है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर जो ब्लिंकिंग कर रहा है कुछ देर के बाद स्टे हो जाएगा। अभी देखिए स्टे हो गया, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, और हीटिंग भी आ रही है, इसकी हीटिंग आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ कोल्ड सॉरी हाथों से हीटिंग आ रही है। लेकिन ये हीटिंग प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, टेम्परेचर में हमारा सेटिंग है 30 का मतलब है कि हमारा जो सेटिंग टेम्परेचर है 30 है, तो रूम का टेम्परेचर 30 तक पहुंच जाना चाहिए, जिसके वजह से हमको पता चला कि हाँ रूम के अंदर हीटिंग है। लेकिन क्या है कि कुछ देर के बाद ये बंद हो जाता है, तो इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, मैं मशीन को बंद कर दिया हूँ और मशीन के पास आ गया। इसको हम कवर उठाएँगे, देखिए कवर उठाने के बाद आप देख सकते हैं ये फिल्टर की कंडीशन। हालांकि ये थोड़ा सा क्लीन है तो आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लैक में आ गया, लेकिन बाकी जो फिल्टर है फिल्टर की कंडीशन टोटली ब्लॉक्ड है। तो इससे ये एक बड़ा रीज़न है, पता है क्या, जो जब ये मशीन हीटिंग में चलेगा तो हमारा हीटिंग जो है कूलिंग को यानी इस मशीन इंडोर यूनिट में स्टोर तो होगा, लेकिन फ़ैन के माध्यम से आगे फ्लो नहीं होगा। क्यों? इसका फिल्टर जो टोटली ब्लॉक है, जिसके वजह से हवा पास नहीं होगा तो हीटिंग कॉयल में स्टोर होगी। कॉयल में स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेंसर है, इसका हीटिंग सेंसर, पाइप सेंसर, एयर सेंसर जो भी है हमारा इसके अंदर जो हीट को सेंस करता है, वो तुरंत सेंस करके आउटडोर यूनिट को क्लोज कर देगा कि हीटिंग इसमें पहुंच गई है, आप मशीन को क्लोज कीजिए। तो मशीन को बार बार क्लोज करता रहेगा, जिसके वजह से हमारा मशीन थोड़ी देर के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो हीटिंग हमारा सिर्फ कॉइल में स्टोर होगा, रूम के अंदर हीट नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा इशू होता है, हालांकि छोटा सा फॉल्ट है, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, तो इस फिल्टर को हम अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर मशीन को स्टार्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसके वजह से हीटिंग का भी इशू आता है। अभी हम फिल्टर को निकाल देंगे, हालांकि पूरा फिल्टर ये ब्लॉक्ड है, ये देख सकते हैं पूरा। अभी दूसरा फिल्टर हम निकालेंगे, हालांकि इसको धीरे धीरे निकालना होता है, नहीं तो पूरा कचरा नीचे गिरेगा, पूरा इस कॉइल के अंदर ही। उफ, कितना ब्लॉक है, पूरा जैसा लगता है फोम से कवर किया गया है। तो अभी हम इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं और देखिए क्लीन करने के बाद कैसे ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। ठीक है, और ऊपर देखिए कैसे ब्लॉक्ड है। हालांकि देखिए, हमने कवर पूरा निकाल दिया है इस मशीन का और कॉइल लगभग नीट एंड क्लीन है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आप देख सकते हैं जो डस्ट है, तो इसको मैं क्लीन कर दूँगा। लेकिन आप ब्लोअर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ब्लोअर ये देख सकते हैं, ब्लोअर अंदर से आपको दिख रहा होगा कि कितना डस्ट जमा हुआ है। ठीक है, तो ये कूलिंग पे भी और हीटिंग पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे क्या होता है, इससे एयर का फ्लो जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो ये नहीं कर पाता है। तो अभी हम इस ब्लोअर को क्या करेंगे, आप देख सकते हो बहुत करीब से। ठीक है, तो जैसे हीटिंग में चलेगा तो सूखने के बाद ये बाहर भी निकलेगा, तो बाद में डस्ट का भी इशू हो जाएगा। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, ब्लोअर को पूरा बाहर निकालूंगा, अब ब्लोअर को नीट एंड क्लीन करके और ये कॉइल को भी क्लीन करके फिर दोबारा इसको इंस्टॉल करेंगे ब्लोअर को भी, उसके बाद कवर लगा के फिल्टर लगाएंगे हम। अभी देखिए, हमने ब्लोअर निकाल दिया है, हालांकि थोड़ा सा इसको दिक्कत होता है निकालने में, लेकिन आप देख सकते हैं कितना माल भरा हुआ है। अब इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि इसका जो एयर फ्लो है प्रॉपर हो। ठीक है, 100% जब एयर फ्लो होता है तो रूम के अंदर हीटिंग भी अच्छे से आती है, कूलिंग भी अच्छे से आती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्लीन करने के लिए।
कितना माल भरा हुआ देख सकते हो। अब देखिए हमने कॉइल को क्लीन भी कर दिया है, ऊपर से अपना अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है और अंदर से देख सकते हैं ब्लोअर। अब ब्लोअर जो है एकदम नया नया दिख रहा है। अभी हमारा ब्लोअर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। जब नीट एंड क्लीन हो जाता है तो एयर का फ्लो बिल्कुल 100% पूरा होता है, ठीक है। तो अगर हीटिंग मोड में चालू करें चाहे कूलिंग मोड में चालू करें, प्रॉपर कूलिंग और हीटिंग रूम के अंदर आता है, जिसके वजह से हमें कोई कंप्लेंट नहीं आता है कूलिंग मोड में स्टार्ट करने के बाद भी, हीटिंग मोड में स्टार्ट करने के बाद भी। तो हालांकि इसमें और भी रीज़न हो सकते हैं, गैस भी कम हो सकता था, कंप्रेसर बराबर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर का वीक हो जिसके वजह से कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ठीक है, और हो सकता है सोलनॉइड वाल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, तो और भी रीज़न हो सकते थे हीटिंग का, ठीक है, या सेंसर प्रॉपर सेंसर नहीं कर रहा है। तो हालांकि इसमें सब कुछ ठीक था, मैंने सब चेक कर लिया था। तो इसमें मुख्य रीज़न यही था कि फ़िल्टर टोटली ब्लॉक था जिसके वजह से हवा पास नहीं हो रहा था, ब्लोअर गंदा था जिसके वजह से और भी जो एयर फ्लो है वो कम हो जा रहा था, और हीटिंग इसमें स्टोर हो रही थी। जब हीटिंग इसमें स्टोर होगा तो सेंसर जो है कॉइल के हीटिंग को सेंस करके आउटडोर यूनिट को बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो ऐसे बात रूम में कूलिंग नहीं, हीटिंग नहीं आएगी, तो ये इशू हो जाता है कि हाँ भाई कि मशीन हमारा हीटिंग नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अभी देख सकते हैं हमने पूरे मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये नीट एंड क्लीन हो गया। हमने कवर भी लगा दिया, ब्लोअर भी लगा दिया, अब चल रहा है फ़िल्टर लगाने के लिए। अब देख सकते हैं ये फ़िल्टर क्लीन करने के बाद कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, और आर पार आप देख सकते हैं। पहले क्या था, ब्लॉक होने की वजह से एक फ़िल्टर में भी आर पार हम नहीं देख सकते थे, अभी ये पूरा फ़िल्टर ये आर पार दिख रहा है आपको, इतना नीट एंड क्लीन हो गया। अभी फ़िल्टर लगाने के बाद देख सकते हैं एकदम आर पार दिख रहा है, जैसा लग रहा है बिल्कुल नया है मशीन हमारा। अब हमारा मशीन बिल्कुल तैयार हो गया है रनिंग के लिए, ठीक है। हमने सर्विसिंग कर दिया, फ़िल्टर क्लीन कर दिया, ट्रे क्लीन कर दिया अच्छे से, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी ब्लिंकिंग कर रहा है, जैसे स्टॉप हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, तो समझिए कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया, अब आ गया, अभी स्टार्ट हो गया, और अब देख सकते हैं हम इसका एयर फ्लो, ठीक है। अभी ये हमारा एयर फ्लो स्टार्ट होगा, पहले से अभी का जो एयर फ्लो है बेहतरीन है। आप हालांकि मैं कैमरा को सामने कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एयर फ्लो है, और हीटिंग बहुत ज़बरदस्त। हालांकि मैं इसको टेम्परेचर शो नहीं कर सकता कि कितना टेम्परेचर पे हीटिंग यहाँ रहा है, बहुत बेहतरीन हीटिंग कर रहा है, ठीक है, और एयर फ्लो भी एकदम 100% क्लियर है। तो ये था मुख्य रीज़न, जब हीटिंग नहीं आता है तो हालांकि छोटे छोटे पॉइंट को भी कैच करना पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि छोटा सा इशू था और जिसको हमने सॉल्व कर दिया है, जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी था।